पांच चीज़ें जो मैंने एलमनाक ऑफ नेवल रविकांत से सीखी हैं फर्स्ट रीड द बेसिक्स आपको कोई भी टॉपिक के बारे में फंडामेंटल्स एकदम क्लियर होनी चाहिए मतलब अगर आपको ह्यूमन एवोलूशन के बारे में जानना है तो आपको डार्विन की बुक्स पढ़नी चाहिए अगर आपको फ़िलोसफी और स्टोइसिज्म के बारे में जानना है तो आपको मार्गस और एलियस के बुक्स पढ़नी चाहिए कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको बेसिक्स में एकदम मास्टरी होनी चाहिए वन मोर थिंग इज कि आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी लाइब्रेरी में अगर जाओ तो कोई भी बुक आपको इंटरमीडिएट या डरानी नहीं चाहिए आप में ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कोई भी बुक उठा सकते हो लाइब्रेरी से और पढ़ सकते हो भले ही वो फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री फिलासफी रोमांस कुछ भी हो एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्डर बुक्स पढ़े क्योंकि क्या होता है काफ़ी राइटर्स आजकल बुक डील मिलती है इसकी वजह से लिखना चालू करते हैं विच इज़ नॉट द बेस्ट मोटिवेटर मतलब अगर आपको बुक लिखनी है तो आपको इसलिए नहीं लिखनी चाहिए कि आपको एक मिलियन डॉलर्स मिलेंगे इसलिए आप बुक लिख दोगे बाक़सर एलियस डाविन और ये सब ने कभी बुक इसलिए नहीं लिखी थी कि उनको इतने बड़ा बुक डील मिली है ऐसा कुछ उनने बुक लिखी थी खुद के लिए और ताकि वो अपनी नॉलेज दूसरे लोगों को बांट सकें तो ओल्डर बुक्स आर बेटर सेकंड लिव बिलो योर मीन्स मतलब आप जितना भी कमाते हो हमेशा हमेशा उससे कम ही खर्चा करो ना ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है दिस कुड मीन कि अगर आप तीस हज़ार कमाते हो तो आप सिर्फ दस हज़ार खर्चा कर रहे हो या पंद्रह हज़ार खर्चा रहे हो या अगर आप एक लाख कमा रहे हो तो आप सिर्फ बीस हज़ार तीस हज़ार खर्चा कर रहे हो एक और एग्जाम्पल होगा कि आप एक करोड़ कमा रहे हो और महीने के तीस लाख खर्चा कर रहे हो चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली आपको बस अपनी जितनी क्षमता है उससे कम रहना है तभी आप खुश हो सकते हो जब भी आप अपने मैक्सिमम जितनी कैपेबिलिटी है उतना खर्चा करते रहोगे तो आप कभी भी सैटिस्फाई नहीं हो पाओगे आपके पास कभी भी वो एक सेफ्टी हार्नेस नहीं रहेगा कि कभी समझो कुछ अनफॉर्चून खर्चा आ गया तो मेरे पास पैसे रखे हुए हैं काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि तीस चालीस हज़ार जो भी उनकी इनकम है कमाते हैं उतना ही खर्चा कर देते हैं उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है एंड वो स्टिल डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी है तो बस अगर आप थोड़ा सा कम खर्चा करते थे तो एक लेवल ऑफ सेफ्टी फीलिंग आती है आपको जो एक तरीके से पीस है विच विल हेल्प यू इन बींग हैप्पी थर्ड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ आप कोई भी चीज़ दूसरों पे ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़ मैंने काफ़ी यंगस्टर्स को देखा है कि दूसरे लोगों पे ब्लेम करते रहते हैं उनके पास पैसा भी नहीं है दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं उनके पेरेंट्स अच्छे से बात नहीं करते उनसे वो भी दूसरों पे पेरेंट्स पे ब्लेम करते रहते हैं ब्लेम करने से कभी किसी ने कुछ अचीव नहीं किया है अगर कुछ बड़ा करना है या कुछ लाइफ में कुछ जेनविनली उखाड़ना है तो आपको हमेशा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ही लेनी पड़ेगी अभी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं निखिल कामत का वो बचपन से सोलह सत्रह साल की उम्र से कमाने की कोशिश कर रहा है उसको नहीं रहना था अपने घर में वो निखिल गया कॉल सेंटर की नौकरी करी मम्मी का अकाउंट यूज़ करके ट्रेडिंग करी और आज वो जहाँ है वहाँ है तो आप अल्टीमेटली किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते बेस्ट होगा कि आप अपने ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ मैं गलत हूँ या मेरे को यह चीज़ नहीं आती और उससे कुछ सीखो फोर्थ स्पेसिफिक नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब आपको कोई एक सब्जेक्ट के बारे में इतना ज्यादा क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री लीडर बन सको या कुछ सिग्निफिकेंट चेंज ला सको वो इंडस्ट्री में जितना ज्यादा आप कोई टॉपिक के बारे में नॉलेज रखोगे मार्केटिंग सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट ऑपरेशंस कोई भी डिपार्टमेंट हो जितना ज्यादा आप अच्छे हो सकते हो उतनी ही ज्यादा आपकी पोजिशन होगी लाइफ में या उतना ही अच्छा आप बिजनेस बना सकते हो खुद का कोई ना कोई चीज में आपको मास्टरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना लोग सोचेंगे ये पहला पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्ट्रेडिकट करता है बट वो अलग है आपको भी एक जनरल आइडिया हर चीज के बारे में होना चाहिए बट आप ग्रो और सिग्निफिकेंट पॉइंट पे तभी पहुंच सकते हो जब आप कोई एक चीज में सब लोग से अच्छे हो बहुत ज्यादा ही अच्छे हो फिफ्थ वेल्थ इज गेन्ड बाई प्रोवाइडिंग वैल्यू आपको अल्टीमेटली ज्यादा क्रिएट करना है कंज्यूम करने से and that is how you create wealth. जितने ज़्यादा लोगों को आप हेल्प कर सकते हो जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो उतने ही ज़्यादा वेल्दी आप बन पाओगे से मार्केटिंग का जॉब है उसमें आप कंपनी के लिए बैनर्स बनाते हो आपके जो बैनर्स हैं उससे लोग कॉल कर रहे हैं और एक्चुअली सेल हो रही है विच इज़ द वैल्यू वो आप दे पा रहे हो इसलिए आपको कंपनी उतना अमाउंट ऑफ मनी दे रही है वहीं अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनर हो आप किसी को कोच कर रहे हो तो आप उनकी लाइफ में हेल्थ एडिशन कर रहे हो या उनको फिट रख रहे हो वो एक तरीके की वैल्यू हो गई वो प्रोवाइड कर रहे हो इसीलिए आपको जो भी अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है यही सिंपल फॉर्मूला बड़े से बड़ा बिजनेस में वर्क करता है लेट्स टेक टेकाम्पल ऑफ जेप्टो क्या किया दे डिलीवर ग्रोसरीज फास्ट उन आवर लॉर्ड ऑफ डार्क स्टोर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं इसीलिए उनको जो भी अमाउंट ऑफ मनी है दो तीन हजार करोड़ दो बिलियन डॉलर जो भी कंपनी वैल्यूएशन है वो उसकी वजह से ही है क्योंकि इतने ज्यादा लोगों की वो प्रॉब्लम बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं सो एनी बिजनेस विल बी बिल्ट बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू टू अदर पीपल सिंपली पुट जितना ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे लोगों को उतना ज्यादा आप वेल्थी बनोगे